ब्लैक बन जाए। हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। सो फाइनली आज हम करने वाले हैं ब्लैक फूड चैलेंज। ब्लैक फूड चैलेंज के लिए मैं कब से इतना ज्यादा एक्साइटेड थी, मैं कब ये फूड चैलेंज करूंगी। सो फाइनली आज मैं करने वाली हूँ। और अभी हो रहा है टाइम सुबह का 7:23। आप सबसे मैंने पूछा था मैं ब्लैक फूड चैलेंज करूँ या पिंक फूड, तो पिंक में क्या है, बहुत जल्दी जल्दी जो चीजें थी खाने की वो मिल रही थी, बट जो ब्लैक फूड चैलेंज है उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था कि क्या बनाएंगे क्या खाएंगे। इसलिए मैं ब्लैक फूड चैलेंज कर रही हूँ क्योंकि उसमें जो खाने का आइटम है उसे ढूंढने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। सबसे पहले हम फ्रेश होंगे, उसके बाद देखते हैं हम क्या बनाते हैं ब्रेकफास्ट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अभी मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट पता है कि मुझे क्या करना है, बट मुझे लंच का नहीं पता, डिनर का नहीं पता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लेट्स गो। सो आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं यहाँ से। सो मेरे पास है यहाँ पर ब्लैक कलर का ब्रश। आई नो पूरा ब्लैक नहीं है क्योंकि मुझे पूरा ब्लैक नहीं मिला। सो गाइज, मार्केट में ब्लैक कलर का कॉलगेट नहीं था तो मैं यही नॉर्मल अपना कॉलगेट यूज करने वाली हूँ, बट हम इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो मैं इसमें थोड़ा ब्लैक कलर एड करूंगी एंड देन ये हो जाएगा ब्लैक। सो आपको तो पता ही है इंडियंस कितने जुगाड़ू होते हैं, तो एक जुगाड़ मेरा भी सही। यस, मेरे पास है यहाँ पर ब्लैक शैम्पू, ब्लैक फेस मास्क, ब्लैक फेस वॉश। तो जल्दी से हम फ्रेश हो जाते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के टाइम पर। सो दो तीन घंटे सोचने के बाद फाइनली मुझे मिला है मेरा ब्लैक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। या ब्रेकफास्ट आप देख सकते हैं, ये रहे मेरे दो बिस्किट। आई डोंट नो ये अंदर से ब्राउन है या ब्लैक है, बट ब्लैक लिखा है बाहर से, इसमें ब्लैक लिखा है तो मैंने ले लिया। एंड ये है मेरे पास ब्लैक कैंडी। अगर ये अंदर से ब्लैक नहीं निकले तो मैं खाने वाली हूँ ये ब्लैक कैंडी ब्रेकफास्ट में। और साथ में मेरे पास है ये कोल्ड ड्रिंक, तो हम ये सब खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में। सो ये है हमारी ब्लैक बर्बोन बिस्किट एंड लेट्स सी कैसे हैं ये अंदर से। तो हम इसके अंदर का जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है उसे हटा के इसमें सिरप डालने वाले हैं और फिर इसको ब्लैक बनाकर खाने वाले हैं, तो बहुत तो यमी तो लगने वाला है। एंड मेरी फैमिली में मीठा बहुत कम खाते हैं सब लोग, आज मैं सुबह सुबह इतना मीठा खाने जा रही हूँ। वो लिखा तो इसमें ब्लैक था, अंदर से व्हाइट है, ये क्रीम इसकी व्हाइट है, अदरवाइज तो ब्लैक ही है पूरा बिस्किट। तो हम इसको ब्लैक बनाएंगे इसमें सिरप डाल के, बिस्किट के ऊपर चॉकलेट डालकर हम इसे करेंगे अपना ब्लैक ब्रेकफास्ट। आजा भाई। जो लोग मीठा बहुत खाते हैं वो इसे ट्राई कर सकते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ। एंड जैसे कि आपको पता है मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं इसके ऊपर एक एक कैंडी डालकर इसे खाने वाली हूँ सीरियसली। चाकू लेने कौन जाएगा, उठ के मुंह है तो मुंह का यूज करो यार। सो मैं बिस्किट के ऊपर एक कैंडी डालने वाली हूँ ताकि मेरा मुंह का टेस्ट जो खराब होने वाला है वो थोड़ा बहुत और खराब हो जाए। सो आपने खाया कभी ऐसा ब्रेकफास्ट? अगर नहीं खाया तो एक बार जरूर इसे ट्राई करना, मतलब कुछ भी। सो आप मेरा आज के दिन का पहला मील देख सकते हैं, बिस्किट सिरप एंड कैंडी एंड साथ में कोल्ड ड्रिंक। सो अभी खाते हैं इसे फटाफट और देखते हैं कैसा होता है ये खाने में। एक्सपेरिमेंट तो मैं कर लिया है, बट बहुत यमी था सीरियसली। अगर आप ब्लैक फूड चैलेंज करने वाले हैं तो इसे जरूर एक बार ट्राई करना। बिस्किट जो है वो बहुत ज्यादा मीठा नहीं है और चॉकलेट सिरप डालने के बाद एक कैंडी रखने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो गया है, मतलब खट्टा खट्टा मीठा मीठा बहुत ही अच्छा टेस्ट था। सो मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। अगर
आपको मेरा ये लुक अच्छा नहीं लगा तो प्लीज इसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये एक चैलेंज का पार्ट है। अब टाइम हो चुका है लंच का, सो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या खाने वाली हूँ, तो चलिए अभी किचन में चलते हैं और देखते हैं हमसे क्या कुछ बनता है। और अगर हमारा मिशन फेल हो गया तो हमें फिर से कैंडी खानी पड़ेगी सुबह की तरह। तो हे एवरीवन, तैयार है मेरा ब्लैक लंच और ये रही मेरी चाउमीन, जिसमें मैंने बहुत 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 ज्यादा सोया सॉस डाला है ताकि ये बहुत ज्यादा ब्लैक लगे। खाने में इसका टेस्ट कैसा होगा वो तो मुझे नहीं पता, पर दिखना ब्लैक चाहिए। और ये रहा मेरा मनचाओ सूप। चाउमीन की जो स्मेल है वो काफी ज्यादा वियर्ड आ रही है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सोया सॉस डाला है। तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं चाउमीन और मनचाओ। सीरियसली मैंने बहुत ज्यादा सोया सॉस डाला है इसमें, आई डोंट नो कैसा होगा खाने में, खाते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं चाउमीन टेस्ट करूंगी। इसमें सोया सॉस ज्यादा पड़ा था इसलिए ये बहुत ज्यादा सॉल्टी है। सूप टेस्ट करते हैं। दोनों बहुत ज्यादा बेकार बने, मुझे तो ये खाना ही पड़ेगा क्योंकि चैलेंज है। तो गाइस मैं अपना लंच फटाफट फिनिश करती हूँ और मिलते हैं आपको शाम को 4 बजे। तो हे एवरीवन, अभी हो चुका है टी टाइम और मेरे पास इवनिंग में खाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने बहुत सोचा और फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बनाऊं, तो मैंने कुछ नहीं बनाया। सो आज इवनिंग में हम पीने वाले हैं ब्लैक टी, और मुझे ब्लैक टी बिल्कुल पसंद नहीं है सीरियसली। और साथ में मैं खाने वाली हूँ ये ब्लैक डार्क चॉकलेट, इसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा ही खाने वाली हूँ। बट मेरे पास जो चीज है वो है ये ब्लैक कैंडी। सो ये ब्लैक कैंडीज ने मेरा बहुत साथ दिया है। सो अभी इवनिंग की ये कैंडी खाने के बाद मुझे रात की टेंशन हो रही है कि रात में मैं क्या खाने वाली हूँ सीरियसली, क्योंकि आज शादी है तो घर वाले तो उधर जाने वाले हैं, तो आई डोंट नो मैं क्या खाऊंगी उधर जाकर, या घर में ही मुझे बनाना पड़ेगा। सी देखते हैं रात को क्या खाएंगे, अभी हम ये इंजॉय करते हैं। आई थिंक पहले मुझे चाय पीनी चाहिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है सीरियसली। अभी मैं ये कड़वी सी चाय पीती हूँ और एक कैंडी खाती हूँ और आपसे मैं मिलूंगी रात को। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट फूड वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे रात को डिनर के टाइम। फाइनली हमारा डिनर तैयार है। मैंने आपसे बोला था ना वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं डिनर बहुत ही डिलीशियस बनाने वाली हूँ। आज डिनर में क्या है प्रिया? सो आज ब्लैक फूड चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए मैंने बनाया है डेविल मोमोज। तो जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं ब्लैक फूड चैलेंज करूंगी, तो उससे पहले मेरे माइंड में एक ही डिश आई थी, वो था डेविल मोमो। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है डेविल मोमो और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मोमोज बने बनाए मेरा भाई लेके आ गया था और डेविल मोमो मैंने इसको बनाया है। तो चलिए अभी फटाफट खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा होता है ये डेविल मोमो। अगर मेरे डेविल मोमोज देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है तो आप भी इसे स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं। आई डोंट नो आपको ये वीडियो में कैसा लग रहा है, बट जिन लोगों को पता है डेविल मोमो ब्लैक ही होते हैं, मेरे जो डेविल मोमो है वो तो बहुत ही ज्यादा ब्लैक है क्योंकि मैंने इन्हें बहुत जला दिया था। सो गाइस, अगर आपने अभी तक डेविल मोमो टेस्ट नहीं करे तो जल्दी से जाओ और टेस्ट करो डेविल मोमोज कैसे होते हैं। मुझे तो डेविल मोमोज बहुत टेस्टी लगते हैं। सो अभी फटाफट मैं ये डेविल मोमोज खत्म करती हूँ क्योंकि सीरियसली बहुत टेस्टी है। ये वाला कड़वा है, इसमें थोड़ा ज्यादा सोया सॉस पड़ी है। सो हे एवरीवन,
एवरीवन, फाइनली हमारा 24 आवर्स ब्लैक फूड चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। मुझे तो देखिए बहुत मजा आया ब्लैक फूड खाते हुए। आई होप कि आपको भी काफी ज्यादा मजा आया हो ब्लैक फूड चैलेंज देखते हुए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पता नहीं क्या कलर।